हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल ओमियोगेमन 047। कैसे हो आप लोग? हाँ गाइस, मैं मेरे सर्वाइवल सीरीज पे फिर से आ चुका हूँ। तो इसके अगले एपिसोड में, फर्स्ट एपिसोड में आप लोग देखा था कि मैंने मेरे माइनक्राफ्ट सर्वाइवल सीरीज पर एक घर बनाया था और हमारा एकदम से काही बोले आयरन का आर्मर, गोल्ड का आर्मर भी बना लिया था। तो सर्वाइवल सीरीज 1 नहीं देखा तो देख लेना, एकदम धमाकेदार मचाल माना बोले तो वो करने वाला, एकदम बम से वाला वो है। तो आज हम लोग बोले तो बनाएंगे आयरन फार्म, तो आप लोग देख सकते हो। पहले हम लोग आयरन फार्म बनाने के लिए 9x9 का एरिया बना लेंगे, तो उससे क्या होगा, हमारा जो आयरन गोलेम है इसके अंदर ही स्पॉन होगा। हाँ, इसके अंदर, बाहर नहीं स्पॉन होना चाहिए। बाहर स्पॉन होगा तो आयरन गोलेम को तुम मारने जाओगे वो तुमको बेटे मार देगा, चाटे मार के ना घर पे भेज देगा आयरन गोलेम फिर से। बोले तो ठीक है, तो मैं माप झोप करके एकदम से 9x9 का एरिया बना लेते हूँ। तो ऐसे इस साइड को भी जल्दी से कर लेते हैं। अबे भाई यार, गलत लग गया यार। बाय द वे, वीडियो को लाइक नहीं होता, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अबे भाई जल्दी से कर देना यार, फटाफट से कर देना, कहाँ बिगड़ जाएगा तेरा यार। सब्सक्राइब करने में कहाँ जाता है, फ्री का बटन है, जल्दी से दबा देना। तो गाइस यार, मैंने बोले तो वो लगा, बोले तो लीफ लगा दिया है। अभी हमको इस एरिया को 3x बोले तो 3 ब्लॉक तक डिक करना पड़ेगा। हाँ, ऐसे नहीं, सबको 3 ब्लॉक तक डिक करना पड़ेगा। फिर 3 ब्लॉक जल्दी से कर लेते हैं, फिर 1 ब्लॉक छोड़ के फिर 6 ब्लॉक डिक, बोले तो 5 ब्लॉक डिक करना पड़ेगा। तो फटाफट से इस मिट्टी को खोद लेते हैं अच्छे तरीके से। तो हमारे सर्वाइवल सीरीज का दूसरा दिन है, आप लोग सब्सक्राइब नहीं किया का ही बोल सकते हैं बोलो, तो कर लेते हैं जल्दी से डिक। हाँ गाइस, मैंने डिक कर लिया। अभी बोले तो 1 ब्लॉक छोड़ के इसको बोले तो 5 ब्लॉक तक डिक करना पड़ेगा। तो मैं 1 ब्लॉक छोड़ के एक एरिया बना लेता हूँ फटाफट से। तो इससे क्या होगा, हमारा जो आयरन गोलेम है उसको ना बोले तो स्पॉन होने का थोड़ा सा ज़्यादा एरिया मिल जाएगा। तो ज़्यादा बस बोले तो 3-4 स्पॉन हो जाएगा एक साथ, नहीं गाइस 2 एक साथ स्पॉन हो सकता है, फिर से मरेगा फिर से स्पॉन होगा। तो बोले तो इसको फिर से 5 ब्लॉक डिक करता हूँ, 3-4-5, हाँ हो चुका है। अभी इसको जल्दी से खोद लेते हैं एकदम फटाफट से। अबे भाई यार, बारिश हो रहा है यार। भाई यार, आयरन फार्म का जो स्ट्रक्चर है वो बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं आता, लेकिन बोले तो दिक्कत आता है विलेजर को ब्रीडिंग करने में, बोले तो समझ लो यार क्या बोलना चाहता हूँ। A few moments later. तो गाइस, मैंने डिगिंग कर लिया। अभी हमको ऐसे 2 ब्लॉक करके यहाँ पर लगाना पड़ेगा, बोले तो यहाँ पर हम लोगों को बेड लगाना पड़ेगा। तो जल्दी से मड को लगा देते हैं। मैं मड लगा रहा हूँ क्योंकि बोले तो डर्ट लगा रहा हूँ क्योंकि डर्ट आसानी से टूट जाता है। हाँ, डर्ट को तोड़ने में एकदम हाथ से ही आप लोग तोड़ दोगे, इससे कोई वो नहीं लगेगा। और भी ब्लॉक लगा सकते हो जो आपका मर्जी। फिर आपको ऐसे बोले तो 5 ब्लॉक बोले तो 5 बेड लगा देना। गाइस यार, बाहर का नॉइज़ आए तो सॉरी गाइस, यहाँ पर होता है यार, थोड़ा सा मैनेज कर लेना। बाहर का नॉइज़ आया तो मेरे ऊपर फोकस रहो, मेरे ऊपर फोकस करना एकदम से गाइस, किसी के ऊपर नहीं, मेरे ऊपर सिर्फ फोकस करो। मैं जो कर रहा हूँ, जो बोल रहा हूँ उस पर फोकस करो। फिर ऐसे सब मट को हम लोग बोले तो डर्ट को हम लोग खोद लेंगे एकदम जल्दी से। फिर इस डर्ट को खोदने के बाद यहाँ पर नीचे भी बेड लगा देंगे, तो हमारा 5-5-10 हो जाएगा उस साइड में। तो 20 बेड आपको लगाना ही है। और हाँ, इसका एक रूल है तो आप लोगों को समझा देता हूँ। आप लोग 20 बेड नहीं लगाओगे तो आपका जो आयरन बोले तो आयरन गोलेम है वो स्पॉन नहीं होगा। हाँ, जावा एडिशन और बोले तो बेडरॉक एडिशन में आप लोग पीसी में खेलोगे तो उसमें आप लोग 4 विलेजर को डरा के, आप लोग भूत बन के डरा के भी आयरन गोलेम स्पॉन कर सकते हो। लेकिन मैंने बहुत बार ट्राई किया, नहीं होता। बोले तो पॉकेट एडिशन पर ऐसे नहीं होता, आपको 20 विलेजर ही चाहिए, 20 बेड ही चाहिए, 20 फ्लेचर चाहिए। और हाँ, आप लोगों को मैं रिकमेंड करूँगा, आप लोग जब आयरन फार्म में जाओगे तब आप लोग बोले तो विलेजर को ना फ्लेचर ही बना देना। तो फ्लेचर बनाने से क्या होगा, फ्लेचर ना ज़्यादा आयरन गोलेम को बोले तो अट्रैक्ट करता है, बोले तो बोलते हैं भाई आजा आयरन गोलेम, तेरे बिना मैं कुछ नहीं कर सकता, भाई मार देगा मेरे को, तो ऐसे करता है। फिर आयरन गोलेम आ जाता है उन लोगों को बचाने के लिए, फिर आप तो जानते हो फिर मर जाता है यार, काम कर सकता हूँ। हाँ, अभी मैंने हमारा जो बेड का सिस्टम है वो लगा दिया है।
अभी बोले तो यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6 अभी आपको क्या करना पड़ेगा, 20 बोले तो फ्लेचिंग टेबल लगाना पड़ेगा। फ्लेचिंग टेबल होता है वुड और फ्लिंट से, तो जल्दी से मैं 20 फ्लेचिंग टेबल मैं जैसे लगाऊँ आप लोग भी वैसे लगा सकते हो या कुछ कर सकते हो, लेकिन देखने में अच्छा लगेगा। लेकिन आपको बोले तो 20 फ्लेचिंग टेबल ही लगाना पड़ेगा। हाँ, तो मैंने वो बोले तो फ्लेचिंग टेबल का एरिया बना दिया है, अभी ऊपर जाके एकदम से मुश्किल सा काम। बोले तो विलेजर लाना, उनका ब्रीडिंग करवाना, प्यार करवाना, बच्चे होंगे उसको का ही बोले, फिर वो बड़े होंगे, फिर आप लोग जानते हो। तो जाते हैं विलेज पर, आप लोग देखो विलेज वहाँ से लेके आते हैं। तो गाइस यार, मैंने एक विलेज पहले ही लेकर आ चुका हूँ, ये रहा, और एक कुत्ता सा विलेजर, इसको भी लेकर जाता हूँ। ये मेरे को देख रहा है, मैंने इसको थोड़ा सा बोले तो हाथ मारा था, एकदम से चाटे मारा था। तो जल्दी से लेके जाते हैं हमारे बोले तो वो आयरन गोलेम बोले तो आयरन फार्म पर। तो गाइस यार, मैं आ ही चुका हूँ, अभी इसको जाते हैं, इसको बोले तो अंदर डाल देते हैं, क्या कर सकता हूँ। और हाँ, आप लोग जब आयरन फार्म बनाओगे इसको, आप बोले तो मैं प्रेफर करूँगा विलेज से 150 ब्लॉक दूर, और हाँ आपका जो घर है उससे भी 150 ब्लॉक दूर। क्योंकि आप लोग ना कुछ कुछ बंदे होते हो घर में ना विलेजर को बोले तो रखते हो, तो उससे ना क्या होता है, वहाँ पर एक विलेज का निर्माण हो जाता है, फिर आप लोग जानते हो बाकी क्या होता है, फिर स्पॉन नहीं होता, प्रॉब्लम हो जाता है। तो मैं आपको प्रेफर करूँगा आपके खुद के घर और विलेज से 150 ब्लॉक दूर पे ये बनाना। तो इस विलेजर को मैं बोट से लिया, अबे भैया वो भी बैठ दिया। तो जाता हूँ फिर से ऊपर में, क्या कर सकता हूँ, और इन लोगों का बच्चे बच्चे जल्दी से करवाता हूँ। अबे पानी को ले लेता हूँ। हाँ, तो अभी हमारा जो ब्रेड बोले तो पेड है, ब्रेड है, उसको मैं जल्दी से दे देता हूँ, ये लोग बच्चे बच्चे करते रहे। और हाँ, आपको ऐसा विलेजर लाना है बोले तो जो कभी भी बोले तो ट्रेडिंग नहीं किया, आप लोग आप उससे ट्रेडिंग नहीं किए हो, वैसा आपको एकदम बोले तो क्लीन विलेजर चाहिए। तो उससे ही एकदम से आयरन वो तो आयरन गोलेम स्पॉन होगा, और बाय द वे नहीं होगा ऐसा है। तो इन लोगों को मैं और भी खाना दे के जल्दी से कर लेता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं इनका स्टार्ट हो चुका है, एक बच्चा आ चुका है। कॉन्ग्रेचुलेशन भैया, कॉन्ग्रेचुलेशन यार, आपका लड़का हुआ है या लड़की मैं नहीं जानता, लेकिन एक बच्चा हो गया। तो इनको और खाना देते ना, इनका एक बच्चा हो गया, और भी चाहिए ऐसे 20। तो गाइस यार, हमको जल्दी से 20 विलेजर करना है, तो आपको जानते हो करना पड़ेगा, क्या कर सकता हूँ यार। अभी आलू गिर गया था, उसको वाटर से दे दिया, बे भाई चला जाए यार आलू, तो दे दिया गाइस, क्या कर सकता हूँ। हाँ, मैं बोलता हूँ वीडियो को जल्दी से लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। आपका एक सब्सक्राइब एक लाइक मेरे को मोटिवेशन करता है, और कंटेंट बनाने में मेरे को मज़ा देता है मज़ा। तो जल्दी से 20 सब्सक्राइबर कर दे। हाँ, जल्दी से गाइस यार 20 सब्सक्राइबर कर दो यार, कहा कर सुनो जल्दी से कर दो यार, 20-20 सब्सक्राइबर जल्दी से कर दो। तो जो भी हो, कहा कर सुनो, ये लोग स्टार्ट हो चुके हैं फिर से, तो करते हैं इनका ब्रीडिंग और मिलते हैं कुछ देर बाद। तो हाँ गाइस, हमारा जो काम है वो हो ही चुका है, आप लोग देख सकते हो। अभी अभी एक बंदा स्पॉन हो चुका है जिसका नाम है गोलेम चचा। ए गोलेम चचा, ये मां नहीं मार पा रहा, क्योंकि इसके बोले तो आप जब आयरन गोलेम को मारोगे तब उससे ना 3 ब्लॉक ऊपर में रहना, तो आपको ना चाटे नहीं मार पाएंगे। ए बोले तो 2 ब्लॉक पे रहोगे और उसको मुंह के सामने रोके दो, तो वो तो आपको ना उछाल उछाल के। हाँ, तो फास्ट आयरन मिल चुका है गाइस, इतनी खुशी नहीं मिलता यार, इतनी खुशी, इतना खुशी आज तक नहीं मिला यार। अभी इस विलेजर को मैंने चाटा मारे दोस्त से, तो बनाते हैं हमारा बोले तो आयरन फार्म का। अबे भाई यार, फिर से स्पॉन हो गया यार कुत्ता यार, अबे कुत्ते यार, क्या कर सकता हूँ यार, विलेजर बुला रहा है फ्लेचर यार। तो इसको मैं जल्दी से मार के ये सब करके मिलता हूँ, क्या कर सकता हूँ, इनको मारना भी तो पड़ेगा ना। अबे भाई यार, हाँ स्टिक बना लेता हूँ, अभी हमको एक्स बनाना पड़ेगा, तो बना लेते हैं फटाफट से, इन कुत्ते को मार देते हैं, मारते जल्दी से।
तो इसको भी मैंने मार दिया, अभी नीचे नहीं जाऊंगा, इसको लगा देता हूँ, बाद में जाऊंगा। सो गाइस यार आप लोग देख सकते हो, तो इस बोले तो आयरन फार्म में नॉन स्टॉप बोले तो वो होता रहता है। और हाँ आप लोगों को एक बात बता दूँ, आप जब आयरन फार्म बनाओगे तब ना आपके आयरन फार्म के ना बोले तो अगल बगल ना कोई भी केव नहीं होना चाहिए। हाँ एकदम से बोलता हूँ, आपके आयरन फार्म के अगल बगल कोई भी केव नहीं होना चाहिए, केव होगा तो आप लोग मारे जाओगे। एक भी आयरन गोले स्पॉन नहीं हुआ। अबे भाई यार बाल्टी गिर गया यार, अबे भाई बाल्टी आ जा। तो जो भी हो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बोले थे 3-4 ब्लॉक लगे, कुछ ऐसा करके पानी के फ्लो को एकदम से सेट करना पड़ेगा जो आयरन गोलेम उस ब्लॉक पे जाके अटक जाए। तो मैंने कर लिया है, बोले तो 3 ब्लॉक इस कुत्ते को जल्दी से मार देता हूँ, एकदम फटाफट से उछाल उछाल के मारूंगा तो इसको इस कुत्ते को ज़्यादा डैमेज पड़ेगा, तो मारता हूँ जल्दी से। अबे मर जा यार, अबे नूबड़े मर जा। तो मर गया इस पागल को, मैंने फिर से मार दिया। तो अभी काम करना फिर से स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर 3 ब्लॉक टिक करके यहाँ पर हमको हॉपर लगाना पड़ेगा। तो हॉपर से तो आप जो जानते हो क्या होता है, हॉपर से हमारा जो बोले तो वो बोले तो कलेक्टिंग सिस्टम है उसका बोले तो प्रोसेस होगा। तो यहाँ से फिर से मैं 2 ब्लॉक डिक कर लेता हूँ, फिर बोले तो 2 ब्लॉक आगे जाके फिर यहाँ पर 2 ब्लॉक डिक करके यहाँ पर हॉपर से का बोले तो हॉपर के साथ चेस्ट को अटैच कर देता हूँ जल्दी से। तो ले लेता हूँ 2 चेस्ट। अबे भाई तो देखता हूँ क्या होता है, 1 और यहाँ 2। हाँ तो गाइस यार हमारा जो कलेक्टिंग सिस्टम का काम है वो हो चुका है। अभी मैं ऊपर जाने का वो अबे भाई यार आप लोग देख सकते हो एकदम हमारा जो आयरन फार्म है एकदम वर्किंग है, एकदम से वर्क कर रहा है। और क्या कर सकते हैं, एकदम से वर्किंग फार्म है, आप लोग विश्वास कर नहीं करोगे यार। जो भी है क्या कर सकता हूँ। तो ऐसे फिर आपको ना स्लैब लगाने ना एक स्टोन भी लगा दोगे। अभी यार गलत लगा दिया यार, गलत लगा दिया भाई यार, यहाँ पर एक स्लैब लगेगा। अबे भाई यार फिर से गलत लगा दिया यार, मैं तो क्या पागल बंदा हूँ यार। अच्छा अच्छा कैसा है, तो जो भी हो मैं बाद में इसको सेट करता हूँ। अभी हमको यहाँ पर साइन बोर्ड लगाना पड़ेगा, फिर साइन बोर्ड मैं बना के लाता हूँ। फिर आपको यहाँ पर लावा और एक बॉनफायर बनाना पड़ेगा। बॉनफायर होगा चारकोल बोले तो चारकोल और बोले तो कोल या चारकोल जो भी है उससे होगा। तो इसको मैं जल्दी से कट कर, चारकोल और बोले तो वुड लॉक, एकदम से वुड लॉक से हो जाएगा आपका बोले तो बॉनफायर। तो बॉनफायर से क्या होगा, जो बिल्ली होता है ना बिल्ली वो तो परेशान करेगा, आयरन गोले को मरने नहीं देगा, उसके लिए चाहिए। तो मैं लावा के पूल के सामने आ चुका हूँ, तो एक बकेट लावा लेके जाता हूँ जल्दी से घर पे। तो गाइस अब मैं आ चुका हूँ फिर से बोले तो वो ऐसे आपको लगा देना पड़ेगा, 2 बोले तो 2 साइन बोर्ड साइड में बोले तो 2 साइड में एक नीचे, फिर यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। फिर ये देख सकते हो ये कुत्ता खुद ही मरने के लिए चला गया, कैसा आयरन गोले में भाई यार, ये पागल आदमी है यार। तो फिर आपको ये बोले तो ये काम करने के बाद यहाँ पर आपको वाटर देने के बाद नीचे क्या करना है, बॉनफायर। तो जल्दी से लगा देते हैं बॉनफायर भी। अबे भाई यार आग लग गया, अबे भाई यहाँ पर बोले तो स्लैब लगा देता हूँ फटाफट से यार, वरना तो हमारा सब जल जाएगा यार। वो देख सकते हो कैसे परेशान कर रहा है बिल्ली यार, बिल्ली कुत्ता यार। अबे बिल्ली हट जा। तो इसके लिए हमको बॉनफायर लगाना पड़ेगा, तो बॉनफायर बनाना पड़ेगा। तो जल्दी से बना लेते हैं गाइस, पहले तो जो भी है बिल्ली के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। अबे भाई हाँ बॉनफायर मेरे इन्वेंटरी में पहले से है, तो देखता हूँ लगा देता हूँ जल्दी से फटाफट से एकदम से, आ ही कर सकते हैं यार बिल्ली। तो देखते हैं और एक आयरन गोलेम स्पॉन होता है कि नहीं। हट जा बिल्ली, हट जा नूबरे बॉट, हट जा। तो जल्दी से लगा देते हैं और कहाँ से कर सकते, मैंने सोचा मर जाएगा, वो आयरन गोलेम भी आ चुका है, ये मरने देते हैं जल्दी से। देख सकते हो कैसे वो कर रहा है। तो जल्दी से बॉनफायर लगा देते हैं, आप लोग देख सकते हो इतने टाइम पे भी तो 2 मिनट में 7 आ चुका है और भी आ रहा है यार।
इतना आ रहा है, इतना आ रहा है, का ही बोल सकती है, का ही बोले, लगाने का कोई टाइम ही नहीं पा रहा हूँ जो मैं लगा दूँ जल्दी से। वो देख सकते हो फिर से आप लोग, जो भी हो, मैं पहले एफ के बोले तो स्पॉट बनाऊँ, आपको आयरन फार्म से 3 या 4 ब्लॉक दूर पे ये बनाना, मैं प्रेफर करूँगा 3 ब्लॉक दूर पे बना दे आपको ना एफ के फार्म ना, एकदम से क्या करना पड़ेगा बोले तो जो आयरन फार्म है उसके सामने ही लगाना पड़ेगा। अबे भाई यार पहले लगा देता हूँ यार, आयरन को मरने में दिक्कत हो रहा है, मर जा भाई, मैं लावा को कलेक्ट कर लेता हूँ। हट 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 भाई, पहले पानी को भी कलेक्ट करना पड़ेगा गाइस, पानी का वो फ्लो मेरे को दिक्कत कर रहा है। शिट भाई यार, यहाँ पर पानी था यार, तो जल्दी से लगा देते हैं। गलत लग गया यार, तो मैंने नीचे एकदम सेटिंग करके लगा दिया है। आप लोग देख सकते हो ये बॉनफायर से भी मारा जाता है, तो बॉनफायर से भी जल्दी मरता है ये बोले तो, उस बोले तो लावा से, मैं लावा को यहाँ रख दिया था, तो जल्दी से यहाँ पर लावा को भी दे देते हैं एकदम फटाफट से, तो इसको मरने में दिक्कत नहीं होगा। हाँ मर, अभी ये बिल्ली भी मरेगा। तो आपको एफ के फार्म बनाने के लिए बोले तो आयरन फार्म से 3 ब्लॉक दूर जाना है, बोले तो 3 ब्लॉक दूर पे जाना है। आप लोग देख सकते हो 29 आयरन हो चुका है 3-4 मिनट में, 29 आयरन, सोचो यार इसका एफिशिएंसी क्या है। तो 3 ब्लॉक दूर में आना है, फिर आपको ना 7-8 ब्लॉक ऊपर जाना है, तो जल्दी 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो 8 ब्लॉक ऊपर जाना है, फिर आपको 3x3 यार कोई छोटा सा हाउस बना लेना है बस। मैं छोटा सा कोई भी हाउस बना लेता हूँ, बाद में इसको ट्रांसपेरेंट करके बोले तो ग्लास से बना दूंगा, तो आपको ऐसे बना लेना है बोले तो हाउस, छोटा मोटा सा हाउस, आप जहाँ पर बोले तो खड़े रह पाओ, आपको कोई परेशान नहीं करेगा। फिर आप मोबाइल को साइड में लाके कोई भी काम कर सकते हो, और आयरन बोले तो फार्म वर्क करते रहेगा, तो जो भी है क्या कर सकते हो, तो जो भी हो आप लोग देख सकते हो ऐसे आपको बनाना पड़ेगा बोले तो 3 ब्लॉक ऊपर, फिर बे लग जा भाई, बे भाई यार। तो फटाफट से इस एफ के फार्म को बना लेते हैं गाइस, एक ब्लॉक ऊपर जाके फिर से लगा देते हैं यार, 3 हाँ हो चुका है, ऊपर में छत बोले तो बना लेते हैं फटाफट से, एकदम से एक ब्लॉक छोड़ के भी लोग बना सकते हो, मैं फटाफट से आपको दिखाने के लिए बना दूँगा, बाद में एकदम से सही तरीके से बना लूँगा, आप लोग कैसे बना देना। फिर एक डोर लगा देना और ट्रैप डोर या कुछ लगा देना, और बोले तो सीढ़ी लगा देना, फिर आपका आयरन बोले तो फार्म एकदम वर्क करते रहेगा, आपको कोई बोले तो डिस्टर्ब नहीं करेगा, बोले तो फैंटम होता है ना, फैंटम आकर मार देता है, वो भी नहीं कर पाएगा, इसलिए आपको वो लगाना पड़ेगा बोले तो डोर, तो लगा देने हैं जल्दी से ला के। आप लोग देख सकते हो नॉन स्टॉप आ रहा है आयरन गोले, मर मर रहा है, आ रहा है मर रहा है, आप लोग देख सकते हो फिर से 35 आयरन हो चुका है इतना देर में, 35 आप लोग देख सकते हो। और हाँ, इसको बनाने के लिए आप लोग को मैंने बोल दिया 150 ब्लॉक दूर बनाना है, और 20 बिले चाहिए, फ्लेचर चाहिए 20, और बोले तो इसके बोले तो आयरन फार्म के नीचे कोई भी नहीं, गड्ढा नहीं होना चाहिए बोले तो डीप 3 ब्लॉक का, तो वहाँ पर स्पॉन हो जाएगा फिर ख़त्म। 45 और थोड़ा सा होए तो एक स्टैक हो जाएगा, तो जो भी हो क्या कर सकता हूँ, और आप लोग देख लिए हो भाई, मैं सो के आ चुका हूँ, फिर से रात हो गया था, तो आप लोग को देखते तो एक स्टैक हो जाएगा इस कुछ देर में, एक स्टैक हो चुका है और एक स्टैक मेरे पास है। तो अभी मेरा जो चेस ब्लेड बोले तो वो मैंने बोला था इस बोले तो एपिसोड नंबर 1 में, एकदम से मैंने आयरन का सब बना लिया है, का वो कर सकता हूँ वो खोद खोद के, मेरे को नहीं चाहिए गाइस, खोद खोद के मेरे को नहीं चाहिए, खोद खोद के कुछ नहीं हो पाएगा, ऐसे बना लेते हैं जल्दी से,
मैंने आयरन फार्म से आयरन का हमारा सब बोले तो कर लिया है, एकदम रेसअप आयरन का हो चुका है। तो फटाफट आयरन का चेस्ट ब्लेड बना लेते हैं, एकदम से हो चुका है मैं तुम्हारा भाई यार रेडी। तो जो भी हो, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। आज का वीडियो इतना तक, मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, वंदे भारत।